भाइयों नमस्कार। भाइयों आज हमारे यहाँ पर गांव में 0118 लेने आए हैं किसान भाई, और काफ़ी दूर से आए हैं क्योंकि उनका 0238 बिल्कुल ख़राब हो गया है, खेत के खेत सूख गए हैं रेड रोड की वजह से। तो इनसे पूछेंगे, ऐसी 80 किलोमीटर से ये दूर से आए कि इतनी दूर से इन्हें कहीं बीज नहीं मिला या क्या वजह रही, और ये 0238 को इतनी ज़ोर से क्यों छोड़ रहे हैं। चलो चलते हैं किसान भाई के पास, इनसे परिचय लेंगे। हाँ जी, अपना परिचय बताइए पहले। नमस्कार जी। नमस्कार जी। यूसुफ अली नाम है हमारा जी, और मुरादाबाद की साइड से आए हैं। अच्छा। और 238 में इतना रोग लग गया कि बिल्कुल बाहर लुट गई। अच्छा। हाँ जी, खेत के खेत सूख गए। खेत सूख गए। आपका लगभग कितना खेत सूख गया जी? हमारा तो था कोई 15 बीघे। अच्छा, जैसे मील वाले भी और दुकानदार ने भी दवाइयाँ दी, उनसे कुछ दी, कुछ ना होया। मील वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले सर लइयो भी मत इधर को। अच्छा, और क्या? कौन सा मील आपका? ये है दीवान मील। अच्छा, दीवान मील है। तो इस बार 0238 कोई नहीं बो रहा आपके क्षेत्र में? कोई नहीं बो रहा, सबके सूख गए जी। अच्छा, अगर कोई बोना चाह रहा हो 0238 कोई किसान, तो आपको आप क्या सलाह देंगे उन्हें? अजी बिल्कुल ही मना कर रहे हैं, क्योंकि हम ही लुटे बैठे हैं, तो दूसरे से भी मना कर दूंगा। ना सही बात है बिल्कुल। अच्छा, जैसे 0118 की बुआई करने की सोच रहे हैं आप यहाँ से इतनी दूर आए, तो आप बीज लेने जैसे दूर आए, उधर नहीं मिला आपको कहीं बीज? उधर नहीं मिला, ये चौधरी साहब से हमारी बात हुई। चौधरी साहब ने कह दी, बोले ऐसा ऐसा है, ये 18 बीज जो है बहुत बढ़िया पैदावार में है। अच्छा, और ये है वो है, उन्होंने बताई, तो हमने उन्हीं की बात पे ये बीज ले लिया। अच्छा, 0118 आपको अच्छा लगा? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, जैसे दवाइयाँ आपने खूब लगाई 0238 में, और मील वालों ने भी काफी जोर लगाए, किसी किसान का खेत बचा दवाई लगाकर या सबके सूख गए? सबके ही सूख गए जी। अब क्या, किसी का एक है, एक आध होगा जो बच गया होगा। हाँ हाँ, मगर सबके ही सूख गए हमारी लगता। अच्छा, पेड़ ही पौधा दोनों सूख गए हैं या पौधा पौधा बस? पेड़ी भी सूखी है कुछ, कुछ पौधे तो बिल्कुल ही खत्म है। अच्छा, तो आप जैसे ये 0118 ले जा रहे हो, सिंपल विधि से बुआई करोगे या सादी ट्रंच से? थोड़ी ट्रंच से भी होगी और थोड़ी सादी करेंगे। हाँ, क्योंकि ज्यादा बीज फिर अगर ट्रंच से नहीं बुआई करोगे तो ज्यादा बीज लगेगा। ज्यादा बीज लगेगा। तो देख लो भाइयों, किसान भाई ने कितनी अच्छी बात बताई कि 0238 को कोई किसान भाई ना बोए, क्योंकि रेड रोड इतनी जोर से लग गया और ये अब काफ़ी दूर से 80 किलोमीटर दूर से 0118 गन्ना लेने आए हैं, और भराई चालू है गन्ने की अंगोला पत्ती सहित। ये देखिए, और अंगोला पत्ती सहित ये फायदा रहता है कि आँख पे कोई असर नहीं पड़ता गन्ने की, और बिल्कुल फ्रेश गन्ना जाता है। और कभी भी इसकी बुआई अगर आप एक हफ्ते बाद भी बुआई करोगे इसकी, तो भी बड़े आराम से बढ़िया निकलेगा। ये 0118 का प्लाट है, और देखो इसमें पेड़ा भी अच्छा फूट रहा है, और रोग भी इतना नहीं है जितना 0238 में। अच्छा, एक जानकारी और दो, आप बताइए, आपने जैसे 0118 की बुआई, इन भाई को शर्म लग रही है, थोड़ा सा झप रहे हैं कैमरा सामने से आते ही। गन्ना बढ़िया? हाँ। गंगादास भाई जरा बताओ, जैसे आप यहाँ के ही रहने वाले हो, आपके पास कौन कौन सी गन्ना वैरायटी है? 18 ही अपना ये। हाँ, एक वो 35 है। अच्छा, ये 85 अपना पहले जवाला हो। अच्छा, जो पीला रंग का है, मोटा रंग का। हाँ, मतलब। अच्छा, आप 0238 की बुआई करोगे? ना, आपका ना कर रहे हैं। कौन से बीज की बुआई करोगे? हम तो इसकी 18 करेंगे। 18 की? हाँ, बढ़िया बोला। अच्छा, जैसे तुम क्षेत्र में घूमो हो, कौन सी गन्ना वेरायटी अच्छी लग रही है तुम्हें इस टाइम? हमारा तो बढ़िया लग रहा है, आपने 18 भी। हाँ, अरे को 35 का भी सही है अपने, नहीं बढ़िया पशु के लिए। हाँ हाँ। अच्छा, 0238 क्यों नहीं बोनेंगे? अरे सहरा तो वो लग गया ऊपर, कम से वो आ गया, सहरा चल रहे ना, बिल्कुल निहार भी ना सुधरा। आपका गन्ना सुखा बिल्कुल पूरा ना? अपने यहाँ तो खैर कम है, तो अगोला तो सहरे खत्म हो गया। हाँ, ये तो है। हाँ, अपने यहाँ तो अंतर है, और खेत ना सूखे अपने यहाँ पर, मामला और जगह देखा है, अगले इलाके में गए थे। अच्छा, जैसे तुम उसकी बुआई कर रहे हो 0118 की, अगर कोई बीज लेना चाहे 0118 या 13235 दे दोगे? हाँ, दे देंगे सही रेट में। सही रेट में? हाँ, दे देंगे। अपने फालतू तो क्या बात है, सबका फायदा होगा, उसका पॉल्यूशन लगेने सबकी बिजाई होगा। और हाँ, सही, सबको बीज मिलना चाहिए, अपने भला। अच्छा, इसमें जोन से आप पे नई वेरायटी है, इसमें दवाई कैसी देनी पड़े, कम या ज्यादा? तो कम देनी पड़ी आपके, उसमें तो बढ़िया गन्ना खड़ा। हाँ, बढ़िया खड़ा। अच्छा, दवाई तो उसे भी इतनी लगी, 38 लोग खेत है, जो गन्ना कम से आएगा है, तो एक ही क्यारी में हुआ, एक ही क्यारी में हुआ। सही बात है।
दवाई तो दोनों बराबर मिली, दोनों बराबर पानी, मतलब 38 में ज्यादा लागत आ रही है, इन नए वेरायटियों में लागत नहीं आ रही, इसमें ना आ रही। तो आप क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को, कौन सी वेरायटी होनी चाहिए? नई वेरायटी बोएंगे भैया, जिसमें RBR 18 है जैसे अपना, चार में कौन सा हो, हाँ 35 35 अच्छा, ना ना सही बात है आपकी। तो भाइयों देख लो, अब इस बार हमारे यहाँ तो सभी और 80 किलोमीटर दूर से ये किसान आए, सब 0238 कोई नहीं बो रहे, कोसा 13235 और 0118 की बुआई कर रहे हैं सब, और इन्हें ही अच्छा बता रहे हैं, इतने कोई और वैरायटी नहीं आती, इतने 35 और 18 की बिजाई करने की सोच रहे हैं किसान भाई। भाइयों आप कौन सी गन्ने की बुआई करने की सोच रहे हैं और कौन सा आपके यहाँ क्षेत्र में अच्छा चल रहा है, ये कमेंट में बताएँ। धन्यवाद, नमस्कार।